अंतरिक्ष पर जाने का ख्वाब कई लोगों का होता है, लेकिन अब तक इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आम आदमी को एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता था, जिसकी अपनी तरह की एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन बीती रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस धारणा को बदल दिया। चार आम लोग जो कोई अंतरिक्ष विज्ञानी नहीं थे, उन्होंने अंतरिक्ष में एक यात्रा पूरी कर धरती पर वापसी कर ली। धरती की कक्षा में 3 दिनों तक यात्रा करने के बाद इंस्पिरेशन 4 के 4 अंतरिक्ष यात्री धरती पर सफलतापूर्वक लौट आए। उनकी लैंडिंग अटलांटिक सागर में हुई। इस सफलता को हासिल करने वाले ये चारों अंतरिक्ष यात्री कोई अंतरिक्ष विज्ञानी नहीं बल्कि आम लोग थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरी तरह से गैर अंतरिक्ष यात्रियों की कोई टीम अंतरिक्ष यात्रा पर गई हो। इंस्पिरेशन 4 का क्रू स्पेस एक्स कैप्सूल में बुधवार को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था, और फ्लोरिडा के ही सागर तट पर शनिवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे के लगभग लैंड हुआ। चारों पैराशूट जब पानी की सतह पर पहुंचने वाले थे तो उससे पहले उनकी रफ्तार धीमी हो गई थी। नीचे स्पेस एक्स की बोट उन्हें लेने के लिए इंतजार कर रही थी। इंस्पिरेशन 4 की टीम की अगुवाई अरबपति कारोबारी जेयर्ड आइजक मैन कर रहे थे। जेयर्ड आइजक मैन ई कॉमर्स कंपनी शिफ्ट फॉर पेमेंट्स इंक के CEO हैं, और उन्होंने इस मिशन में कमांडर की भूमिका निभाई थी। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए जेयर्ड आइजक मैन ने कितनी कीमत चुकाई, इस पर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार जेयर्ड आइजक मैन ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क को ड्रैगन कैप्सूल की चारों सीटों के लिए लगभग $200 मिलियन की रकम चुकाई है। जेयर्ड आइजक मैन ने इस यात्रा के लिए 3 अजनबियों को चुना था। उनमें नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट उम्मीदवार और जियो साइंटिस्ट सियान प्रॉक्टर जो 51 साल की हैं, बोन कैंसर सर्वाइवर हेली एक्रेनॉक्स जो कि 29 साल के हैं, एरोस्पेस डेटा इंजीनियर और पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर क्रिस सैम्ब्रोस्की जो कि 42 साल के हैं, उन्हें शामिल किया था। अंतरिक्ष पर्यटन के बाजार में एलन मस्क की कंपनी की ये तीसरी सफल अंतरिक्ष यात्रा थी।